मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम उस 10 पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपका रिजल्ट 100% तक बदल सकता है। सबसे पहली बात, अब से लेके एग्जाम के दिन तक आप लोग उन मित्रों से दूर रहिए जो कि पढ़ाई के अलावा की बातें ज्यादा करते हैं। पॉइंट नंबर दो, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है उस दिन 10 मिनट पहले वहां पहुंचेंगे ताकि आपको कोई एंग्जाइटी ना हो। पॉइंट नंबर तीन, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो चुके हैं और आपके पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है, उस टाइम पेपर आने से पहले आंख बंद करके 2 मिनट तक गहरी सांस लेके कंसंट्रेट करो और अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करो। उस तरह से कॉन्फिडेंट और फियरलेस स्टेटस माइंड अपना सेट करो। चौथी बात, जब आपको पेपर दिया जाता है उस समय पूरे के पूरे पेपर को उलट पुलट के देख के एंग्जाइटी करने के बजाय आप सिर्फ सेक्शन वाइज जाएंगे और जो सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है सिर्फ उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सोचेंगे और उसके आंसर्स आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, जब आप पेपर लिखना शुरू करें तो जो भी सेक्शन को आपको लिखना है वो पूरे सेक्शन के सारे क्वेश्चन को एक साथ लिखेंगे, नया सेक्शन नए पेज से शुरू करेंगे और हैंड राइटिंग, आप पूरा ध्यान अपने नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेबल रीडेबल हैंड राइटिंग पे देंगे। जहां पे जरूरत है आपको फिगर ड्रॉ करना है, जहां पे जरूरत है आपको प्रॉपर प्रोफॉर्मा करना है, जहां पे जो चीज की जरूरत है शुड बी नीट एंड क्लीन, नो ओवर राइटिंग, नो री राइटिंग, नो स्क्रैचिंग एंड नो डर्टी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात, जब आप एक सेक्शन पूरा करें उसमें हो सकता है कि शायद एक आध क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 2 मिनट का टाइम लेके उस कंटेंट को याद कीजिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पूरे साल में पढ़ा है तो याद तो है, सिर्फ उसे प्रॉपर रिकैपिचुलेट करना है। फोकस करिए, दिमाग लगाइए, याद करिए और रिलेवेंट एंड रिलेटेड पॉइंट से आंसर कंप्लीट जरूर करें ताकि जीरो से तो कुछ बेहतर ही मिलेगा। गप्पा नहीं लगाना है पर रिलेटेड पॉइंट्स को लेके आंसर को हमें कंप्लीट करना है। जब आप क्वेश्चन के पेपर लिखते हो आंसर्स तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली और अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि कोई कोई शब्द क्वेश्चन के आंसर को ट्विस्ट दे सकता है। अगर वो शब्द आपने जल्दी जल्दी में ठीक से नहीं पढ़ा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपना पेपर पूरा खत्म करें तो उस तरह से टाइम प्लानिंग कीजिए कि 5 मिनट पहले आपका पेपर खत्म हो जाए ताकि आपको उस पेपर को वापस देखने का चांस मिले। कहीं कोई अंडरलाइन रह गई है तो आप उसे प्रॉपरली कर सकते हो और उस पेपर को आप सेटिस्फेक्शन के साथ फील करो कि हाँ, आई हैव डन माय लेवल बेस्ट कैपेसिटी। अभी हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, अच्छे से रिलैक्स हो गए, प्रॉपर उसको टाई अप करो, प्रॉपर सप्लीमेंट्स को टाई करो। यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है बच्चों की। एज सून एज यू टेक द न्यू सप्लीमेंट यू हैव टू राइट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ताकि लास्ट टाइम हैसल में आप उलट पुलट सप्लीमेंट ज्वाइन नहीं करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रॉपर ऑर्डर में आपको नींद लेनी है। एग्जामिनेशन वीक में हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्चे स्लीपी फील करते हैं,
जब उनको परफॉर्म करना है उस टाइम उनकी बॉडी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि इतना पड़ा, इतना उन्होंने स्ट्रेस लिया और इतना उन्होंने स्लीप को ओवरलुक किया कि जब एक्चुअल में लिखने की बात है तब वो नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपके बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखे, आपके स्लीपिंग आवर्स को प्रॉपरली जस्टिफाई कीजिए और फ्रेश होके एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहे। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर हैंडिंग ओवर द पेपर टू द सुपरवाइजर, व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, कभी भी अपने पेपर को डिस्कस मत कीजिए फ्रेंड से। अगर भूले से कोई आंसर डिफर करता है तो आपको एक एंजाइटी आ जाएगी, एक आपको गिल्ट आ जाएगी या आपको प्रेशर आ जाएगा कि मैंने गलत कर दिया। गया सो गया, वो तो आप चेंज कर नहीं सकते, पर ये टेंशन लेके आप दूसरे दिन का पेपर खराब कर ही सकते हो। तो आप न तो किसी से डिस्कस करोगे, न ही आपके स्टडी मटेरियल में से चेक करोगे। जो भी लिख दिया फाइन, रिजल्ट तो उसी हिसाब से आना है, पर चेक करके सही गलत के कंफ्यूजन में आके आप दूसरे दिन के पेपर की प्रिपरेशन खराब कर रहे हो। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के आप अपनी एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर हो जाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पास करो। ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड फील दैट यस, आई हैव वर्क फॉर द होल ईयर, सो आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट। कम से कम दिन में 5 बार अपने आप को बोलते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, एक प्रकार की एक पॉजिटिविटी देते रहिए कि मुझे आता है, मैंने मेहनत की है और मैं अच्छे से पेपर को लिख पाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।